सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव देव और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं फिर से एक नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Moz2D के एक कंसेप्ट के बारे में, जो बहुत लोगों का अभी तक इश्यू है कि वो कंसेप्ट अभी दूर नहीं हो रहा, तो इस वीडियो में मैं वो कंसेप्ट दूर करूंगा। इस टॉपिक का नाम रहेगा लीड इन और लीड आउट, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को पूरी देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, स्किप करोगे तो सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। और सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को अंतिम तक देखें और स्किप बिल्कुल ना करें, प्लीज भाइयों, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी, लास्ट तक देखें और अंतिम तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हर स्टूडेंट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि लीड इन और लीड आउट होता क्या है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लीड इन और लीड आउट है क्या। तो देखिए, जैसे कि मेरे पास एक प्लेट है सिंपल 200x150 mm की, ये mm में है, ठीक है। और इसकी मोटाई मैं सपोज करता हूँ 1 इंच की मोटाई होगी इस प्लेट की, ठीक है फ्रेंड। तो मुझे करना क्या है कि इस प्लेट को मुझे प्लाज्मा कटिंग जो होती है उस मशीन पे मुझे काटना है, प्लाज्मा से इसे काटना है। तो मैं क्या करूंगा, 200x150 है, ये मैंने ड्रॉइंग कंप्लीट कर ली और होल है इसके 40 डायक है, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि जो ये 200x150 की जो प्लेट है मुझे बिल्कुल प्रॉपर यही चाहिए, इसमें 1 mm का भी कट नहीं होना चाहिए, मतलब ये शेप मुझे एज इट इज चाहिए, मुझे कोई भी इसमें ना कोई 1 mm का भी ड्रिल ना कोई कट वट कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 mm का ले आउट और ले इन दोनों दे दूंगा। अब होता क्या है, लेआउट और लीड इन और लीड आउट होता क्या है ये मैं बता दूं। लीड इन का मतलब है जहां से आपका ड्रिल अंदर जा रहा हो, प्रवेश कर रहा हो, वो लीड इन है। ये 5 mm की आपकी लीड इन दे रखी है मैंने, ताकि आपकी जो ये 200x150 की प्लेट है पूरी सेफ निकल जाए। तो आपका टूल कैसे चलेगा, सपोज कीजिए मैंने यहां से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ये आपकी 5 mm की लीड इन ली दी मैंने, ठीक है। तो लीड इन का मतलब यहां से 5 mm इस प्लेट से गया, तो आपका ये 5 mm ही खराब हुआ, आपकी पूरी प्लेट सेफ रहेगी। तो ये पूरा इस तरह से पूरा राउंड 4x4 का कट के और इससे पूरा बाहर निकल जाएगा। तो 5 mm आपका लीड इन होगा और 5 mm आपके लीड आउट होगा, या आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, लीड इन कम दे सकते हो, लीड आउट ज्यादा दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं 5 mm और 3 mm का मैंने लीड इन और लीड आउट दे दिया, ठीक है। अब इसी तरह अपने सर्किल है, ये होल मुझे सेम एज इट इज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बाहर की शेप सेम चाहिए तो मैं अंदर लीड आउट दूंगा, लीड इन और लीड आउट दूंगा, और मुझे अंदर की शेप, मुझे बाहर की शेप चाहिए तो मैं अंदर दूंगा, और मुझे अंदर की चाहिए तो मुझे बाहर देनी पड़ेगी। जैसे अब मैं इस ड्राइंग में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सॉफ्टवेयर पे ले जाता हूँ। तो जैसे मैंने ये ड्राइंग पूरी कंप्लीट कर ली, इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे Moz2D में लेके जाना है, तो सारी मैंने पिछली वीडियो में बता दी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखें और डिस्कशन में देख के आप मुझे कमेंट करें। तो ये मैं आपको सीधा आपको सॉफ्टवेयर पे ले गया। तो ये 200x150 की प्लेट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे इसमें लीड इन और लीड आउट देना, तो कैसे दोगे आप, लीड आउट है इस पे क्लिक करोगे आप, मैं पहले प्लेट की दे रहा हूँ उसके बाद मैं सर्किल की दूंगा। तो मैं प्लेट के लिए एड लीड इन पे क्लिक करूंगा और पॉइंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमें देना है बिल्कुल, क्योंकि आपकी प्लेट बिल्कुल स्क्वायर है, इसमें रेडियस नहीं है, तो रेडियस नहीं है तो आपको सिंपली इस तरह से एरो वाले लाइन है ये लेना है आपको, इस तरह तिरछी वाली लेने लेना, क्योंकि तिरछी आपकी है नहीं। अगर इसमें चैम्फर होता तो आप ये सेकंड वाला पॉइंट यूज लगते, रेडियस होता तो थर्ड, और पूरे में रेडियस होता तो फोर्थ, इस तरह से आप सारे लेते हैं। अपना अपना प्लेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है तो ये लेंगे हम, तो इस पे ओके कर देंगे। अब आप इसे जूम करोगे, अब ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे। लीड इन लीड आउट चार है आपके पास, कौन है, तो इस पॉइंट से करोगे, इससे इससे इससे, जो भी आपके मशीन के पास पास पड़ता है वो आप ले लोगे। जैसे मशीन के पास एज इट इज ये पड़ता है, तो आप क्या करोगे, इसको जूम करोगे
जितना आप जूम कर सको, इसके एक कोने पे क्लिक कर दोगे इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये 5 mm की लीड इन और लीड आउट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 mm की है। ठीक है, अब आप इसे रन करके देखो तो ये कैसे कट करेगा। आप रन करके देखो एक बार, आपको पता लग जाएगा। मैं इसी पे फोकस करता हूं तब तो आपको पता लग जाएगा। यहां से एनसी पे गए, पहले सर्किल काटेगा उसके बाद आपका ये काटेगा। तो मैं पहले फाइन करके दिखा देता हूँ। सर्कल काटा, यहां से 5 mm बाहर गया और देखो 5 mm ही आपका निकल के बाहर आ गया। बाकी मैंने 5 mm की लीड इन और लीड आउट दे चुका हूँ, जैसे कि इसमें देख रहे हो आप 5 mm और 5 mm की लीड और लीड आउट दे दिए। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको रन करके देखता हूँ कि सही है, प्रॉपर काट रहा है नहीं काट रहा। तो यहां से मैं एनसी पे क्लिक करूंगा, क्यूब पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा फास्ट देखना है, फाइन पे क्लिक करके। अब आप देखें, पहले सर्किल, इसने सर्किल काटा उसके बाद प्लेट काटा, प्लेट काटी है। अगर आप चाहते हो कि पहले ये प्लेट काटे उसके बाद सर्किल काटे, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, इसे दोबारा रन करके देख लीजिए। अब यहां से फाइन, ये सर्किल काटा उसके बाद ये देखिए लीड इन 5 mm पहले बाहर से गया, फिर 5 mm दोबारा काटते हुए 5 mm बाहर निकल गया। तो ये 5 mm और 5 mm लीड इन और लीड आउट होती है। अब आप चाहते हैं कि सर्किल पे भी लीड इन और लीड आउट दो, तो आप क्या करोगे, दोबारा लीड इन पे जाओगे, लीड इन पॉइंट, पॉइंट में यहाँ आपके रेडियस है, तो आप क्या करोगे, रेडियस पे क्लिक करोगे, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, क्लिक करोगे और इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ से किसी पे भी क्लिक कर दोगे जहां आपकी इच्छा हो इस तरह से। अब ये 5 mm की लीड इन और लीड आउट होटी हो गई। तो इसमें होगा क्या कि आपका जो बाहर का सर्किल है, बाहर जो आपका आउटर बनेगा वो पूरा का सेफ आ जाएगा, पूरा 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 बाहर निकल गया। अगर आपको अंदर का सेफ चाहिए तो ये बाहर लीड इन और लीड आउट देनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट इसका। यहां से मैं स्कैन कर लिया, ये देखिए फ्रेंड, लीड इन और लीड आउट। इसमें थोड़ा हैंगिंग इशू हो सकता है अगर मैं इसको धीरे लूंगा, फिर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए 5 mm गया, 5 mm बाहर निकल के आ गया, फिर 5 mm गया, इस तरह लीड इन और लीड आउट ये होता है। ये थोड़ा हैंगिंग इशू है, इसमें सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हो लीड इन और लीड आउट का कंसेप्ट क्या है। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी पहले ये प्लेट काटे उसके बाद सर्कल काटे, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे 1 और 2, ये आपको दे रखा है एडिटिंग कटिंग सीक्वेंस, इस पे क्लिक करोगे। अब आपका देख लीजिए, फर्स्ट आपका सर्किल है, सेकंड दूसरा सर्किल, थर्ड तीसरा और फोर्थ आपका चौथा सर्किल। अब आप चाहते हो कि मुझे प्लेट फर्स्ट नंबर पर रखनी है, तो प्लेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ एक नंबर लिख दीजिए, एक नंबर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चाहते हो आप ऑटोमेटिक, आप दूसरा आपका सर्किल हो जाएगा और ये हो जाएगा। उसके बाद आप रन करके देख लीजिए यहां से। अब आप देखोगे पहले ये प्लेट काटेगा उसके बाद सर्किल ड्रॉ करेगा, तो इसको मैं क्यूब कर देता हूं। तो आप देखिए पहले प्लेट काट दी उसके बाद आपके सर्किल काट दिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहते हो कि मुझे प्लेट नहीं काटनी, कोई और सर्किल काटना है दोबारा, अगर वही सिक्वेंस रखना है, तो आप क्या करोगे, दोबारा उस पर जाओगे सिक्वेंस पे, इस पर क्लिक करोगे और यहां से कोई सी प्लेट हो उस पर क्लिक कर दोगे। ये है, इसको एक नंबर चाहते हो तो एक नंबर इस पर क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक नंबर होगी, सेकंड नंबर आपकी प्लेट काटेगा। इसको रन करके देख लीजिए आप यहाँ से, तो पहले आपका ये सर्किल काटा उसके बाद प्लेट, फिर बाकी के सर्किल काट दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा हैंगिंग इशू है और कुछ नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा और मेंटेनेंस करोगे फाइन करके, तो देख सकते हो आप, बिल्कुल ये प्लेट काटी इसने पूरी, उसके बाद फर्स्ट सर्किल काट दिया और ये बाकी के सर्किल निकाल दिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका प्रोग्राम आप कैसे बनाओगे, राइट क्लिक करोगे, सीएनसी कोड है इस पे क्लिक करोगे, यस ओके कर दोगे, यस कर दोगे, सेलेक्ट अनदर टेम्प और अपने जो अभी आप डाउनलोड करना चाहते हो वहां आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे किया, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये ओके किया और यहाँ अपने नाम लिख दिया, यहाँ सेव कर दिया मैंने, नाम लिख दिया मैंने हिंदी टेक्निकल हब 1 2 3।
ओके, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया मैंने और इसको सेव कर दिया। ओके फ्रेंड्स, यहां से आपके ये प्रोग्राम बनके कंप्लीट हो गया और इसको मैं ऑफ कर दूंगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये इसको हमेशा नोटपैड में ही ओपन करना, आप जब भी ओपन करो आप नोटपैड में ही ओपन करना इसको। ये नोटपैड आपका